स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। वैधानिक चेतावनी, धूम्रपान और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कैसे हो आप? अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये शादी करना मेरे लिए पॉसिबल है। मैं भी तो आपसे यही पूछ रही हूँ ना कि आप ये शादी क्यों नहीं कर सकते। अरे यार, आप बार बार एक ही बात क्यों कहती? मैंने कह दिया ना कि ये मैं शादी नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूं कि आप ही ये शादी तोड़ दो। देखिए, मेरा चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, ये बड़े लोगों का डिसीजन है। अगर आपको शादी नहीं करना है तो आप तोड़ सकते हो। देखिए, मैं आपके पापा से नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी अपनी पापा मम्मी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, सो मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। हाँ तो फिर ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाए। ओके, हाँ तो ठीक है। मुझे तकिया दीजिए। मतलब मुझे सोने जाना है। आप जैसे घमंडी इंसान ना मैंने कभी नहीं देखा है। अजीब हो आप, मैंने आपका इंसल्ट किया और आप कुछ रिएक्ट ही नहीं किए। इसमें रिएक्ट करने का क्या बात है? अगर कोई मुझे ऐसे इंसल्ट करता ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। सच बताऊं तो मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि मैं बहुत खराब इंसान हूं। लड़कियों ने क्या बिगाड़ा है आपका? कुछ भी नहीं। तो लड़कियों को बिलीव क्यों नहीं करते हो आप? प्रॉब्लम क्या है आपका? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बात पूछूं क्या? क्या आप मुझ पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करोगे? नहीं, मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट भी तो नहीं करते हो आप। ट्रस्ट की बात छोड़ो, आपको कभी भी मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं। और प्यार? उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है। आपने कैसे सोची कि मैं आपसे प्यार करूंगा? क्यों, आपको आपकी बीवी से प्यार करने में प्रॉब्लम है? और ये बताइए, मेरा कसूर क्या है? क्यों, मैंने आपको नहीं बोला था शादी से पहले कि मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता? क्यों, बोला था ना? हाँ बोला था, लेकिन बोला था ना, तो प्लीज आप अपने जैसे रहो, हम मुझे अपने जैसे रहने दो, ठीक है? शादी से पहले आप अपने जो भी बोला है उसका कोई फायदा नहीं है। वो बात ना मैं मानूंगी और ना मैं सुनूंगी। आपको पता है ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूं? हाँ पता है मुझे, क्या नहीं जानती हूं मैं आपके बारे में। अजीब इंसान हूं यार आप, सबको जानने के बाद क्या आपको थप्पड़ खाने का मन है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तब भी तो आप मुझे टच करोगे। आपको पता है ना कि घर में कोई नहीं, अगर मार खा के परे भी रहोगी ना तो कोई देखने वाला नहीं है, समझ गई ना आप? कोई बात नहीं, इसको प्यार करने का हक है,
उसे थप्पड़ मारने का भी हक है। थोड़ा ज्यादा नहीं है वह आपका? होने दो ज्यादा, देखती हूँ क्या कर लोगे। शादी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था आपने? क्या आप कभी भी पत्नी का हक नहीं दिखाओगी? याद है ना आपको? शादी से पहले का कोई शर्त मैं अभी नहीं मानूंगी। इसमें भी आपने झूठ बोला, और आप कहती हो बिलीव करने की बात। वाह, देखिए हर बार ताना मत मारिए। मुझे सिर्फ ये पता है कि आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपकी वाइफ, इसीलिए आपको मुझसे प्यार करना ही होगा। शायद आपको ये नहीं पता कि डिवोर्स बोलकर भी ना कुछ होता है, ये आप याद रखिए। रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रहा हूं। लेकिन क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी? मैंने तो सोचा था कि मैं पूरी जिंदगी इनका हाथ पकड़ के इनके हर सुख दुख में साथ दूंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब खाना क्यों नहीं खा रहे हो? और खाने के टाइम इतना फोन यूज नहीं करना चाहिए, फोन रखो। मुझे खाना ही नहीं खाना। अरे अब जा कहाँ रहे हो, खाना खा के जाओ, खाना छोड़कर जाना नहीं चाहिए। मुझे भूख नहीं है, अगर आपको भूख है तो खाना खा लो। आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगी? आप खा लो ना, मुझे भूख नहीं है। कल मैं चली जा रही हूँ, अगर कुछ गलती हुआ तो माफ कीजिएगा। अचानक से जाने के इरादे किए? मुझे लगता है कि आप मेरे से खुश नहीं हो, और कोई भी रिश्ता या कोई भी प्यार जोर जबरदस्ती से जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ आए। अगर कुछ दिन और रहती तो कोई प्रॉब्लम था? रहकर भी क्या फायदा, जहां भरोसा और प्यार ही नहीं है। छोड़िए, रहने दीजिए। असलियत में मेरी किस्मत ही खराब है, प्यार की बातें बर्दाश्त नहीं। वाह, आपके मुंह से प्यार की बात है, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती। सही कहा आपने, वैसे भी सोचकर और प्यार करके क्या है। बैठ। आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, क्या आप सुनोगे? जरूर। कहां गई थी तुम? किसके साथ घूम के आ रहे हो? हर समय तुम्हारा इधर उधर घूमना, ए टाइम तुम देख रही हो, ए टाइम में घर आने का। मैं तुमसे पूरी तरह तंग आ चुका हूँ। बात करने से पहले ना सोच समझ के बात किया करो, हमेशा डाउट क्यों करते हो तुम मुझ पर?
तुम ना धीरे बात करो, अभिषेक अंदर सो रहा है, अगर वो ये सब चीज सुनेगा तो क्या सोचेगा। और रहा बात शक करने का, तो मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे एक्टिविटी के कारण बोल रहा हूँ। हर एक दिन तुम मुझ पे शक करते रहते हो, क्यों दूं मैं इतना सफाई आपको? अभिषेक हर दिन स्कूल से घर पे जा पाता है, वो तुमको नहीं पाता है, ये क्या चक्कर चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? वो बेटा क्या सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस पर? मैंने बोला क्या कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है? तुम एक माँ हो, इस चीज को समझो, जो तुम समझ नहीं रही हो। तुमसे बात करना और दीवार में सर फोड़ना ना दोनों सेम बात है, तुमसे बात ही नहीं करना। प्लीज मेरा बात सुनो, हमारा बच्चा बहुत छोटा है, हमें छोड़कर मत जाओ प्लीज। आप कुछ मत बोलो ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है, समझ गए है ना? प्लीज मेरा बात समझने का कोशिश करो, हमारा बच्चा बहुत छोटा है, बिना माँ के कैसे रह पाएगा? इसमें मैं क्या करूँ, धीरे धीरे सीख जाएगा अकेले रहना। प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब मैं 6 साल का था, मैं क्या करूँ अगर मैं अपने साथ नहीं रहना, मां मुझे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाने चली गई थी। 6 साल का बच्चा कैसे रहेगा, ये सोचकर मेरे पापा बहुत दुखी रहने लगे। मुझे आज भी याद है जब मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था और माँ जाने के लिए बैग पैक कर रही थी। जब माँ बैग पैक करके जाने वाली थी, तब पापा ने फिर से रिक्वेस्ट किया, लेकिन मेरी माँ ने एक भी बात नहीं सुनी और हमें छोड़ के चली गई। और ये दर्द पापा का मैं देखकर सह नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था कुछ करूँ, लेकिन मैं बहुत छोटा था इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया। अगले ही दिन जब मैं घर आया और देखा कि पापा पंखे पे लटक रहे, ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरे पापा के जाने के बाद आपके पापा ने मुझे पाल पोस के बारे में, आज जो कुछ भी हो आपके पापा की वजह से। मैंने कहा था आपको कि रिश्ता तोड़ दो, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आप भी इस रिश्ते में उलझ गए। खैर मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है और प्यार कर पाऊंगा कि नहीं, यह मुझे नहीं, इसका असली कारण मेरी माँ है। मैं रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा, पता नहीं निभा पाऊंगा कि नहीं। खैर मैं आपके साथ ऐसा करूंगा तो आपके साथ मैं चलती हूँ और ये भूल मैं दोबारा नहीं कर सकती। और आप मेरी लाइफ में सूरज की पहली किरण की तरह है। सच में क्या लगता है? मुझे पता है कि आप मुझसे छूट नहीं बोलोगे। आपने तुम बोलो दत्त, मैं ये नहीं बोल पाऊंगी, पहले आप ये बोलो कि आप अभी भी मुझ पे भरोसा करते हो या नहीं। और प्यार? प्यार वो क्या होता? देखिए मजाक मत करो, ठीक है काम करो, आप मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो तो आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं। बोला तो है मैंने, अगर प्यार तो अभी भी शक है मेरे प्यार में। अरे पगली बस करो, अब मेरे आंखों में डाल के देखो। क्या देख रहे हो आप ऐसे करके?
आप में खुद को।